ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर करौली से है। कांस्टेबल सोरन सिंह ने पेश की संजीदगी। कांस्टेबल सोरन सिंह ने पेश की इंसानियत की मिसाल। नाली में बहे युवक के शव को कंधे पर रखकर बहते नाले में किलोमीटर तक कांस्टेबल लेकर आए। कमर के ऊपर बहते पानी में शव कंधे पर रखकर लाना असाधारण कार्य प्रतीत होता है, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। असल में नाले में बहे युवक बबलू बैरवा का शव मिला भकूला के नाले में। वहां तक कोई भी साधन पहुंचने की स्थिति में नहीं था, लेकिन शव को वहां छोड़ना भी जोखिम भरा था। और ऐसे में सोरन सिंह ने मानवता की एक सच्ची मिसाल पेश की। अपने कंधों पर शव को लादकर चल दिए कमर तक के पानी में, और करीब एक किलोमीटर तक उन्होंने ये रास्ता तय किया। पानी में चलकर करई गांव आने पर भी शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला, लेकिन फिर अपने साथी के साथ बाइक पर शव लेकर वो पहुंचे करणपुर अस्पताल। कांस्टेबल सोरन सिंह की जिंदा दिली और सेवा भाव की चहुओं चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मानवता पर खोया हुआ विश्वास बना रहता है। करणपुर थाने के वाहन चालक कांस्टेबल सोरन सिंह है हमारे साथ। ज्यादा बातचीत के लिए करौली से सहयोगी मनोज जुट गए हैं। मनोज, इस सदी में जहां पर मानवता को खत्म होते हुए हम कई खबरें पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं और विश्वास मानवता से खो बैठते हैं, लेकिन इस तरह की संजीदगी और ये एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने कि अब मानवता पर विश्वास खत्म होने से बचाया है, ये क्या घटना रही मनोज? और उसके बाद में अब क्योंकि इनकी प्रशंसा हो रही है, तो फिर आगे क्या इनके लिए भविष्य में रहेगा इनकी इस खास मिसाल पर? जैती, कल शाम की, कल रात की ये घटना है। करणपुर के समीप नाला है, अमरापुर के समीप मावई का नाला, उसमें तीन युवक नाले में बह गए थे। एक युवक जैसे तैसे रात को तैर कर निकले आया था, दो युवकों का पता नहीं चला था। सुबह पुलिस ने वहां पे सर्चिंग अभियान शुरू किया था, ग्रामीणों के सहयोग से तलाश की थी। जिला मुख्यालय से SDRF टीम भी भेजी गई थी, लेकिन करणपुर घाटी क्षतिग्रस्त होने से SDRF टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई थी। दुर्गम क्षेत्र है, नाला टूटा हुआ था, सड़क भी टूटी हुई थी। करणपुर थाने का ये वाहन चालक कांस्टेबल है सोरन सिंह सहित अन्य जो थे उनको वहां शव मिल गया, जो बबलू बैरवा था उसका शव मिला था। लेकिन जहां शव मिला वहां कमर से ऊपर पानी था और वाहन कोई साधन पहुंच नहीं सकता था। शव को यदि वहां छोड़ते तो वो भी बड़ी रिस्क थी। शव यदि वहां रहता तो मगरमच्छ या कोई ले जा सकता था या उसको वापस कैसे लाया जाए। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में सोरन सिंह खुद इस समय जुड़ गए हैं। सोरन सिंह जी, आप बधाई के पात्र हैं और फर्स्ट इंडिया में स्वागत। आपने जो कर दिखाया है ये वाकई में एक मिसाल है सर। किस तरह से ये उस समय फैसला आपने किया कि इस शव को यहाँ छोड़ना रिस्क भरा होगा और उसके बाद आप कंधों पर लेकर इसे चल पड़े? सर, हम नाले नाले 8-10 किलोमीटर नाले नाले गए, तो वो एक जगह पर अर्जी हुई, डेड बॉडी मिली, उसको निकाल के 2 किलोमीटर तो कंधे पे लेके आए। वहाँ कोई रास्ता नहीं था जो 4-व्हील गाड़ी पहुंचेगा जी। और दूसरी डेड बॉडी मिली जो थोड़ी और 2 किलोमीटर पीछे मिली। इस तरीके से फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं था कंधे पे लाने के सिवाय और पानी में निकाल के। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है सर सोरन सिंह जी, क्योंकि आपने वाकई में एक नजीर पेश की है। लेकिन आपकी इस वीडियो को बार बार जब देखा जा रहा है और आप तक बातें भी पहुंच रही होंगी, आप तक फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे लगातार कि आपने जो कर दिखाया है वो कमाल है, और जिस व्यक्ति के शव को आप लेकर पहुंचे उसके परिजनों से भी बात हो पाई क्या? हाँ सर, वो अभी यही है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, रात हो गई थी इसलिए सुबह का टाइम दिया है, सुबह पोस्टमार्टम होगा। प्रशासन की ओर से कोई फोन कॉल पहुंच रहा है आपके पास सोरन सिंह जी? सर, मेरे पास तो प्रशासन की तरफ से तो कोई नहीं है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि जैसे ही वीडियो पहुंचेगा आगे तक, एक मनोबल बढ़ाने के लिए फोन कॉल बहुत जरूरी है। और फर्स्ट इंडिया आपकी इस कोशिश के लिए आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करता है। आप इस तरह से समाज सेवा करते रहिए, इसके लिए आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।